बहुत परेशान कर दिया ना माँ हमने आपको। परेशान तो बहुत छोटा शब्द है, मेरी जान लेने से बस थोड़े ही दूर हो। हेलो मिस्टर देव पंड्या, आपको कल ही ज्वाइन करना होगा। सर मुझे कम से कम 3 दिन चाहिए, कल अचानक कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? देखो कल ज्वाइन कर सकते तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। नहीं सर, कल से ज्वाइन करता हूँ। ये लीजिए। आपके पेपर तो रजिस्टर ही नहीं है, आजकल तो सब डिजिटल हो गया है, आप लोगों ने नहीं करवाया? नहीं हमने नहीं करवाया। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट के डिजिटल होने में 2-3 दिन लगेंगे। आप अपने पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र दे दीजिए मुझे। सर लेकिन उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो मांगी है ना, घर पहले इनके पापा के नाम पे था ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बिना कुछ काम हो जाए, क्योंकि अभी तक तो कभी जरूरत नहीं पड़ी हमें। पहले कभी आपने अपने मकान को बेचने की बात भी तो नहीं की थी ना, तो डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं तो कॉपी भी चल जाएगी, उसके बिना भी काम हो जाएगा। गौतम जी मैं चलता हूँ, आप सर्टिफिकेट मेरे ऑफिस पहुँचा दीजिएगा। जी भाभी, इतने सवाल जवाब करने की क्या जरूरत थी, डेथ सर्टिफिकेट दे देते ना पापा का उनको। आपको पता है मुझे अहमदाबाद जाना है कल जॉब ज्वाइन करने के लिए। आप लोग इतनी लेट लगती थी क्यों कर रहे हो? देव इतनी भी ये जल्दी है? अभी तो बहुत काम बाकी है। कौन भी वो बहस बाद में कर लेंगे, आप पहले पापा का डेथ सर्टिफिकेट दो ना। ये फाड़ के फेंक दे मेरे सामने, कभी नहीं मुझे नहीं देख, तो फेंक दे इसको, फेंक दे गोभी, फेंक दे। गोमी सोच क्या रहे हो, कहाँ है सर्टिफिकेट? तू मिनट शांत रहेगा तू? ऐसा नहीं है कि मैं तुझे जानबूझ के देना नहीं चाहता, वो डेथ सर्टिफिकेट घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ है? पंड्या स्टोर में। पापा की फोटो के पीछे फ्रेम के अंदर। यार माँ उसे देख देख के रोती थी, इसलिए मैंने वहां संभाल के रख दिया था। कुछ ज्यादा ही संभाल के नहीं रख दिया आपने, अब क्या करेंगे, कहां से लाएंगे? वो श्वेता तो दुकान पे कुंडली मार के बैठी हुई है, और दुकान में से फोटोज निकालना भी भूल गए। समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। एक ढासू आइडिया है, जब श्वेता दुकान बंद करके जाएगी अपन जाके ताला तोड़ देंगे। ताला तोड़ के दुकान के अंदर घुस के ना फ्रेम निकाल के ले आएंगे, क्या बोलते हो गोमी? शिवा पहले तो ना तू ये फालतू के आइडिया देना बंद कर। अरे तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा, हमें बस दुकान वापस चाहिए, हमें मुसीबतों को न्योता नहीं देना। भाभी इतनी मुश्किल से तो देव के लायक एक जॉब मिली है, इसे ऐसे हाथ से जाने देना तो बेवकूफी होगी ना। मैं ऐसा करता हूँ कल अहमदाबाद जाके जॉब ज्वाइन कर ले तू, एक बार डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज हो गए ना
तो वापस आके साइन कर दूंगा। हम सब तो इधर गधेड़े बैठे, नहीं तेरे लिए अहमदाबाद जाना इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ बैठ के सोच रहे की पापा की डेथ सर्टिफिकेट दुकान से कैसे निकाल के लाए, पर नहीं तुझे अहमदाबाद जाना है, वो तेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे तो धरादी का प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि श्वेता बोलेगी लो पापा की फोटो ले लो, लेकिन एक बार बात करने में हर्जी क्या है रावी? भले हम में से किसी की वो बात नहीं सुनेगी, पर क्रिश, क्रिश से तो बात कर सकती है ना, और क्या पता शायद उसकी बात भी मान ले। हाँ वैसे ही ना जैसे वो दुकान बेचने के लिए मान गई थी जब गोम्बी और क्रिश उससे बात करने गए थे। भाभी उसे जैसे ही पेपर्स के बारे में पता चलेगा ना वो लाख रुपए कीमत लगा देगी। खरीदते रहना पापा का डेथ सर्टिफिकेट। इनके आइडिया सुन के तो लग रहा है कि इनका ऊपर का माला खाली है। अच्छा अगर तुझे लग रहा है कि मेरा ऊपर का माला खाली है तो फिर तू अच्छा सा आइडिया क्यों नहीं दे देती है रिश्ता? और अगर नहीं दे सकती है ना तो अपना मुंह बंद रख। पटरानी ये क्या तरीका है बात करने का? जेठानी है, लिहाज रख। किस बात का लिहाज करूं मैं माँ, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही है ये? आपको क्या लगता है जैसे ही श्वेता को पता चलेगा कि हम अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स डिजिटलाइज कर रहे हैं और उसके लिए पापा के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है जो दुकान में टंगी हुई है, वो हमें से थाली में परोस के दे देगी? बिल्कुल नहीं। अरे जैसे ही उसे पता चलेगा ना वो बोलेगी कि मुझे भी नॉमिनी बनाओ, क्योंकि वो आज भी हमारे घर की बहू तो है ही, और जिस तरह से वो हमारे पीछे पड़ी हुई है ना वो घर का हिस्सा जरूर लेगी और हमारा पूरा प्लान चौपट। और भाभी जिस फिल्मी तरीके से आपने हम सबको अपने कमरे से बाहर बुलाया था ना, उससे इमोशनल होकर आपके हाँ में हाँ भी मिला देते, आपके हाथ पे हाथ भी रख लेते, पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुकान के साथ मकान भी जाएगा। ये आप लिख के ले लो। मैं क्या कह रही, बताने की जरूरत ही क्या है कि फोटो के पीछे मृत्यु प्रमाण है? ऐसे ही बोल दो कि अब दुकान तुम्हारी हो गई है, तुमने ले लिए तो हमारे पापा का फोटो हमें दे दो, हम अपने घर में लगा देंगे, ऐसे ही बोलो, है ना? ठीक है माँ, अगर रिशिता को लगता है कि श्वेता के साथ फेस टू फेस बात नहीं करनी है तो नहीं करेंगे। पर क्रिश वो तो कर सकता है ना माँ? मैं अभी क्रिश को फोन करती हूँ, कहती हूँ कि पंड्या स्टोर जाए, श्वेता से बात करे और पापा की तस्वीर लेकर आए। हाँ माना माना कि अगर हम सब में से कोई जाके ये काम कर सकता है तो वो है क्रिश, लेकिन अगर गलती से उसके मुंह से सारा प्लान निकल गया फिर हम क्या करेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? और वैसे भी वो तो आप ही की, अपन सबको पता है कि पिद्दी कितना बड़ा ढक्कन है, पर अपने पास कोई चॉइस है? कोई चॉइस नहीं है, उस पर भरोसा करना पड़ेगा।